नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन के फिल्म टोटल धमाल के पूरे 3 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बताएंगे कि इस फिल्म ने इंडिया में 3 दिन में कितने करोड़ की कारोबार किया है, साथ ही साथ फिल्म ने ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड कितनी कमाई कर ली है और फिल्म हिट हुई या फ्लॉप। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों की भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करें टोटल धमाल के बारे में, तो दोस्तों टोटल धमाल ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी त्यौहार के रिलीज हुई फिल्म टोटल धमाल ने बॉक्स ऑफिस पर वो सुनामी ला दी है जिसका काफ़ी दिनों से लोगों को इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जितनी भी फिल्में आई है कोई भी फिल्म एंटरटेनिंग तौर पर नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मणिकर्णिका फिल्म आई थी जो कि एक हिस्ट्रिकल फिल्म थी जिसमें एंटरटेनमेंट या यूँ कहे कॉमेडी नहीं थी। उसके पहले दोस्तों पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी फिल्म गली बॉय जो कि एक नीच जेनर की थी और इस फिल्म में भी लोगों को उस टाइप का एंटरटेनमेंट नहीं मिला जो एक फैमिली ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन दोस्तों फाइनली इस साल के पहले कोई ऐसी फिल्म आई है जो हर किसी ऑडियंस को पसंद आ रही है और वो फिल्म का नाम है टोटल धमाल। और दोस्तों टोटल धमाल जैसा नाम है वैसी की वैसी फिल्म भी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल कर ही रही है, साथ ही साथ ये लोगों के दिलों में भी धमाल कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में भर भर के एंटरटेनमेंट है और भर भर के कॉमेडी है। इसी की वजह से दोस्तों आज के टाइम में लोगों की पहली पसंद बनी हुई है टोटल धमाल और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है। अगर दोस्तों बात करें हम टोटल धमाल के बजट के बारे में तो टोटल धमाल का बजट काफी ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में जो VFX का यूज है वो काफी ज्यादा किया गया और VFX के कारण ही टोटल धमाल का बजट ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। दोस्तों बात करें फिल्म के एक्चुअल बजट के बारे में तो फिल्म का एक्चुअल बजट है लगभग 95 करोड़ रुपए। वही फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग का खर्चा था 20 करोड़, यानी फिल्म कंप्लीट होती है थिएटर तक आते आते 115 करोड़ रुपए में। और दोस्तों 115 करोड़ में फिल्म आई है थिएटर तक और अब जो फिल्म ने थिएटर में कमाई की है वो लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 21 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था जो कि नेट कलेक्शन बना था लगभग 17 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने दूसरे दिन लपक के मतलब बहुत शानदार कारोबार किया, दूसरे दिन फिल्म ने जंप मारा और डायरेक्ट 23 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले दिन 17 करोड़ का नेट कलेक्शन वही दूसरे दिन डायरेक्ट 23 करोड़ का नेट कलेक्शन। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने 2 दिनों में ही 40 करोड़ की कमाई कर ली थी। वही दोस्तों अगर बात करें टोटल धमाल के थर्ड डे यानी तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों तीसरे दिन तो फिल्म भोकाल मचा रही है, मतलब थिएटर में इस फिल्म के टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। सुबह के शो की बात करें या नाइट के शो की बात करें या फिर इवनिंग या आफ्टरनून, सभी दूर इस फिल्म के शो हाउसफुल जा रहे हैं और एडवांस बुकिंग इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन लगभग 16 करोड़ की कर ली है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से देखे जाए तो जितना इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन था उतना तो इस फिल्म ने तीसरे दिन एडवांस बुकिंग ही कर ली है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है उस हिसाब से टोटल धमाल अपने तीसरे दिन कम से कम 26 करोड़ का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों जो टोटल धमाल का 3 दिन का इंडिया का नेट कलेक्शन हो रहा है वो होता है 66 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें ग्रॉस कलेक्शन की तो फिल्म का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 78 करोड़ रुपए 3 दिन में ही। वही दोस्तों अगर बात करें ओवरसीज यानी विदेशी कमाई की तो फिल्म ने विदेश में अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 27 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो दोस्तों इंडिया का नेट 66 करोड़, विदेश का 27 करोड़, यानी फिल्म ने जो टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है अभी तक वो हो चुका है 93 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड लगभग 100 करोड़ के करीब की कमाई कर ली है और अभी तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलने वाली है और आने वाले टाइम में फिल्म कम से कम 200 करोड़ का कारोबार कर सकती है। वैसे दोस्तों अगर आपने टोटल धमाल फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, बकवास या झकास, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा क्या टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमाएगी या 250 करोड़। अपनी राय कमेंट करना ना भूले और बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई न्यूज़ के लिए मेरे और आपके भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।